ऐसा मानता है ये जो घोड़ा है इस घोड़े में एक घाव है, ये घोड़ा ये जो घाव रहता है, अब ऐसा माना जाता है कि घाव इससे भरेगा, ये पूरा घाव भर जाएगा तो कल की भगवान यहाँ उतार लेंगे इसी घोड़े से और पापियों को नाश करते हुए। ऐसा क्या देखा कल की पीठ में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दंग रह गए। आखिर क्यों कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया? क्या कलयुग का अंत नजदीक आ गया है? क्या सतयुग की स्थापना जल्द ही होने वाली है? क्या हुआ भगवान कल्कि के मंदिर के उद्घाटन के दौरान जिसने कट्टरपंथियों को सोचने पर मजबूर कर दिया? क्या है उस सफेद घोड़े के हवा में झूलते पैर का रहस्य? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक देखते रहिए। दोस्तों सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। 1 फरवरी 2024 को अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ इस आमंत्रण का स्वीकार किया बल्कि वह 19 फरवरी 2024 को मंदिर उद्घाटन करने के लिए पहुंचे भी। अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात करें तो ये न सिर्फ श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं बल्कि कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। किंतु 1 फरवरी को जब कांग्रेस की जगह अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भाजपा से प्रधानमंत्री मोदी को श्री कल्कि धाम की आधारशिला रखने के लिए आमंत्रित किया तो कांग्रेस में उथल पुथल मच गई और पार्टी ने सी पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता का हवाला देते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन 19 फरवरी 2024 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वचन अनुसार श्री कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखने पहुंचे तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी बयान देते हुए कहा कि जिस तरह शबरी को यकीन था कि उसके झूठे बैर खाने प्रभु श्री राम आएंगे, उसी तरह उन्हें भी यकीन था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्कि धाम जरूर आएंगे और मंदिर की आधारशिला रखेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई संत और धार्मिक नेता भी इस दौरान मौजूद रहे और सुबह 10:30 बजे से भगवान कल्कि के पावन धाम का उद्घाटन किया गया। भगवान कल्कि के मंदिर की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्कि पीठ भी पहुंचे और वहां उन्होंने जो देखा वह वाकई चमत्कारिक था। लेकिन ऐसा कल्कि पीठ में पीएम मोदी और दुनिया को क्या नजर आया और क्या कल्कि पीठ इस मंदिर से अलग है, जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों पुराणों में ऐसा वर्णन किया गया है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का है जिसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3,102 ईसा पूर्व में हुआ था जब 5 ग्रह मंगल बुध शुक्र बृहस्पति शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 3102 प्लस 2017 बराबर 5,119 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,881 वर्ष अभी भी बाकी हैं और अभी से ही कल्कि की पूजा आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है। किंतु ऐसा नहीं है कि भगवान कल्कि की पूजा अभी से शुरू की गई है बल्कि कल्कि की पूजा तो लंबे समय से की जाती रही है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान कल्कि एकमात्र ऐसे भगवान विष्णु के अवतार हैं जिनकी पूजा अर्चना उनके अवतरित होने से पहले ही की जा रही है, जबकि मां काली से लेकर देवों के देव महादेव तक, भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक, मां दुर्गा से लेकर मां सरस्वती तक, ब्रह्मा जी से लेकर गणेश जी तक, हिंदू देवी देवताओं में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा अर्चना उनके अवतरित होने के बाद ही की गई है, यानी
तब जब या तो उनकी लीलाएं शुरू हो गईं या उनकी लीलाएं समाप्त हो गईं। किंतु भगवान कल्कि के साथ ऐसा नहीं है। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। कलयुग के अभी भी 4,26,881 वर्ष बाकी हैं, यानी जब कलयुग का अंत होगा तब भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि का जन्म होगा। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि कलयुग व सतयुग के संधि काल में जन्म लेंगे और यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल में ही भगवान कल्कि विष्णु यशा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण के घर उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में श्री विष्णु का जन्म श्री कल्कि के रूप में संभल गांव में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। दरअसल भगवान कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस सफेद घोड़े को देवदत्त नाम दिया गया है। यही वह घोड़ा है जो भगवान कल्कि का वाहन बनेगा। यह वही घोड़ा है जो दशरथ के रथ के समान दसियों दिशाओं में समान गति से दौड़ने की क्षमता रखता है। यह वही घोड़ा है जो 7 फीट ऊंचाई और 10 फीट लंबाई का मालिक है और अपने कद से लोगों को अचंभित करता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के संभल में बने कल्कि पीठ में भी देवदत्त नाम के इस घोड़े का चमत्कार देखने को मिला। दरअसल कल्कि धाम में भगवान कल्कि के नए विग्रह की स्थापना होगी, जबकि पुराना कल्कि पीठ यथावत बना रहेगा। और पुराने कल्कि पीठ में स्थापित है भगवान कल्कि के वाहन देवदत्त रूपी सफेद घोड़े की प्रतिमा। इस प्रतिमा के 3 पैर तो जमीन से लगे हुए हैं, किंतु 1 पैर हवा में है। जानकारी की माने तो जिस दिन ये पैर जमीन को पूरी तरह से स्पर्श कर लेगा उसी दिन भगवान कल्कि अवतरित हो जाएंगे, अपनी लीलाओं से पापियों का नाश करेंगे। पीएम मोदी जब कल्कि पीठ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवदत्त रूपी इस घोड़े की प्रतिमा का एक पैर धरती के नजदीक आ रहा है। और ऐसा अचानक नहीं हुआ बल्कि यह लंबे समय से चलता आ रहा है। चलिए अब आपको संबल में बने श्री कल्कि धाम से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। मित्रों, भगवान कल्कि को प्रभु विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। वर्तमान संभल बने श्री कल्कि धाम को विश्व का सबसे अनोखा मंदिर कहा जा रहा है, क्योंकि इस मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के लिए 10 अलग अलग गर्भगृह बनाए गए हैं। श्री कल्कि धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा, जिसमें अभी पूरे 5 वर्ष जितना समय लगना तय है। इस मंदिर को अयोध्या में बने प्रभु श्री राम के मंदिर से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण भी राजस्थान के भरतपुर जिले स्थित वंशी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों से किया जा रहा है। बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण भी इन्हीं पत्थरों से हुआ है। साथ ही गुजरात में बने सोमनाथ मंदिर का निर्माण भी इन्हीं पत्थरों से किया गया था। मंदिर का निर्माण 11 फीट ऊंचे चबूतरे पर होगा। इसके शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी। मंदिर में 68 तीर्थों की स्थापना होगी, जबकि कहीं भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जी हां, मंदिर को सनातन संस्कृति के अनुसार बनाया जाएगा और कहीं भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक उसी तरह जिस तरह अयोध्या राम मंदिर में किया गया। मंदिर को संभल जिले के एंकरा कबोह इलाके में बनाया जा रहा है। बता दें कि इस मंदिर का निर्माण श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा कराया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। आचार्य प्रमोद कृष्णम की माने तो मंदिर के निर्माण के लिए गंगा सहित देश की सभी बड़ी नदियों का जल और ज्योतिर्लिंग की मिट्टी लाई गई है। इस मंदिर में न सिर्फ आप भगवान विष्णु के 10 अवतारों के दर्शन कर पाएंगे, बल्कि देवदत्त घोड़े को भी करीब से देख सकेंगे। देवदत्त के लिए शास्त्रों में लिखा गया है कि जब भगवान कल्कि पृथ्वी पर अवतरित होंगे तो भोले बाबा द्वारा उन्हें देवदत्त नाम का ये घोड़ा दिया जाएगा। 19 फरवरी 2024 को भगवान कल्कि के भव्य मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम किया जा चुका है। उसकी चर्चाएं आज देश भर में हो रही हैं।
मंदिर के उद्घाटन के साथ ही लोगों के जहन में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है। अब इस सवाल पर कुछ महानुभवी कहते हैं हाँ, तो कुछ जवाब ना में देते हैं। कुछ पुराण और बौद्ध काल के कवियों की कविताओं और गद्य में ऐसा उल्लेख मिलता है कि कल्कि अवतार हो चुका है। वायु पुराण के अध्याय 98 के अनुसार कल्कि अवतार जन्म ले चुका है। वहीं हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्म से जुड़े ग्रंथों की अलग ही कहानी चल रही है। जैसे जैन ग्रंथों के अनुसार कल्कि प्राचीन समय में एक ऐतिहासिक सम्राट हुआ करते थे, जिनका शासनकाल महावीर की मृत्यु के 1000 साल बाद हुआ। यानी कि महावीर स्वामी का जन्म यदि प्राचीन काल निर्धारण अनुसार माने तो 1797 विक्रम संवत पूर्व अर्थात महावीर के 1000 वर्ष बाद यानी 797 विक्रम संवत पूर्व कली हुए थे, अर्थात 739 ईसा पूर्व में। इस तरह अलग अलग लोग अलग अलग ग्रंथ अलग अलग कहानी कहते हैं। हालांकि हिंदू धर्म के अनुसार जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, जब पाप हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा जाएगा, तब भगवान कल्कि धर्म से जुड़े लोगों की रक्षा करने के लिए अवतार लेंगे और देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश करेंगे और कलयुग का अंत भी करेंगे। इसी के साथ सत्ययुग की स्थापना की जाएगी। इसके बाद 1000 वर्ष तक के लिए दुनिया भर में शांति ही छाई रहेगी। आपकी भगवान कल्कि के बारे में क्या राय है कॉमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।